दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसा इंसेक्ट देखा है जो कि अपने शरीर पर मरे हुए कीड़ों को लेकर घूमता है, जिसे कीड़े मकोड़ों की श्रेणी में एक क्रूर हत्यारा जीव कहा गया है, जिसके जान लेने के तरीके उसके शिकार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम असैसिन बग के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज इस पृथ्वी पर कीड़े मकोड़ों की 5.5 मिलियन प्रजातियां निवास करती है, जिसमें जू, टिड्डे, चींटियां, कॉकरोच, मच्छरों से लेकर 12 इंच तक के साइज के होने वाले स्टिक इंसेक्ट जैसे कई प्रजातियां शामिल है, जो कि हमारे कमरे, घर, गार्डन से लेकर जंगल को अपना ठिकाना बनाए हुए है। दोस्तों, इनमें से कई तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जैसे कि लेडीबग और हनीबी, लेकिन इसमें से कई कीटों से हमें खतरा होता है। शोधकर्ता बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों के 1 किलोमीटर के दायरे में ही इतने कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं जितना कि पृथ्वी पर हम इंसानों की जनसंख्या है। हालांकि इनमें से सभी कीट एक समान नहीं होते हैं, कई बेहद खूबसूरत तो कई बेहद डरावने और जहरीले होते हैं, लेकिन इनमें से कई कीट को कुदरत ने सूरत और जहर दोनों दिया है, जिससे वह अपना शिकार कर भोजन प्राप्त करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बचाव भी करते हैं। असैसिन बग भी उन्हीं श्रेणी में आता है, जो कि दूसरे कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाता है। दोस्तों, असैसिन बग को ट्रू बग के कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसके मुंह में चबाने वाले अंग होने के बजाय चूसने वाले अंग होते हैं, जिसके इस्तेमाल से यह पौधों के नेक्टर और अन्य जीवों के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ को पीते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स है, जो कि मुख्य रूप से कॉकरोच, ग्रास होपर, क्रिकेट्स, टर्माइट्स और बीटल जैसे इंसेक्ट में पाए जाते हैं। दूसरा स्पॉन्जी टाइप माउथ पार्ट्स है, जो कि लिक्विड को चूसने के लिए डिजाइंड होते हैं, जो कि मक्खियों के प्रजातियों में पाए जाते हैं। तीसरा सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट्स है। दोस्तों, ये माउथ पार्ट्स भी चूसने के लिए डिजाइंड होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज और मौत के माउथ पार्ट्स, जिसका इस्तेमाल यह फूलों से नेक्टर कलेक्ट करने के लिए करती है। और चौथा है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स, जो कि मच्छरों और बग के पास होते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यू को छेदने में कैपेबल होते हैं और एनिमल के खून और प्लांट के जूस को पीने के लिए डिजाइंड होते हैं। असैसिन बग, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक क्रूर हत्यारा जीव है, जो कि अपने शिकार पर बिना रहम किए उसे मौत के घाट उतार देता है, जिस कारण से इसने कीड़े मकोड़ों की श्रेणी में अपना स्थान शीर्ष पर रखा है। आज इस पृथ्वी पर असैसिन बग की लगभग 7000 प्रजातियां निवास करती है, जो कि साइज में 5 मिलीमीटर से लेकर 36 मिलीमीटर तक बड़ी हो सकती है, और इसे एम्बुश बग, व्हील बग, ग्रास असैसिन बग और किसिंग बग जैसे कई नामों से जाना जाता है। असैसिन बग आज दुनिया भर के ट्रॉपिकल क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं, और यह अपना भोजन प्राप्त करने के लिए चींटी, मकड़ियों, टिड्डों, लार्वों जैसे कई कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जरूरत पड़ने पर यह हम इंसानों के खून चूसने से भी पीछे नहीं हटते, और यह हम इंसानों में कई तरह की बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेवार है, जिसमें फीवर, इसके बाइट करने के स्थान पर सूजन से लेकर हार्ट फेलियर जैसे गंभीर रोग शामिल है। असैसिन बग एक क्रूर हत्यारा जीव है, जो कि अपने शिकार पर घात लगाए बैठे रहता है और सही समय देखकर अपने सुईनुमा चोंच को अपने शिकार के शरीर में घुसा देता है, जिसके अंदर जाते ही शिकार के शरीर में यह एक जहरीला तरल पदार्थ छोड़ देता है। यह जहर शिकार को कुछ ही सेकंड में पैरालाइज करने के साथ साथ इसके शरीर को अंदर से गलाना शुरू कर देता है और शरीर के अंदर के भाग को लिक्विड फॉर्म यानी कि तरल पदार्थ में बदलना शुरू कर देता है। उसके बाद असैसिन बग अपने शिकार के शरीर में मौजूद सारे लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ को चूस जाते हैं और शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब इन कीड़ों के शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला हो जाते हैं, तब असैसिन बग की कई प्रजातियां इन कीड़ों के कवच को अपने शरीर पर लेकर घूमती है, ताकि वह इसका इस्तेमाल छलावरण के लिए कर सके और उस कीड़े के आवास के आसपास के माहौल में खुद को गायब कर सके, ताकि दोबारा भोजन की कमी महसूस होने पर यह आसानी से शिकार कर सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।